एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपके हिंदी टीचर मानी शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था लेसन नंबर 15, सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। इस पाठ में हमने देखा था प्रकृति माता कहती है सभी पक्षियों को कि सभी मिलजुल कर रहो, कोई भी इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं है, सभी का अपनी जगह पर महत्व है। तुम इन सभी से ही ये सृष्टि की सुंदरता बनी है, तो इसलिए तुम मिलजुल कर रहो और कभी भी आपस में विवाद मत करो। इस पाठ से हमने ये सीख ली थी और उसके बाद हमने स्वाध्याय सॉल्व किया था। तो बच्चों, इस स्वाध्याय का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखो बच्चों, ये जो शब्द दिया है उससे हमें वाक्य बनाना है। क बातूनी, तो लिखो बच्चों, वर्षा एक बातूनी लड़की है। सेंटेंस लिखना है हमें, वर्षा एक बातूनी लड़की है। लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो, वर्षा के ऊपर लिखना है, वर्षा ऋतु में कौन नाचता है बच्चों? वर्षा ऋतु में मोर पंख फैलाकर नाचता है। वर्षा ऋतु में मोर पंख फैलाकर नाचता है। नेक्स्ट क्या है? ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान देने वाला छात्र सफल होता है। पढ़ाई पर, सही बात है ना बच्चों? अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी अच्छी तरह से, है ना? तो सेंटेंस कैसा बना है? पढ़ाई पर ध्यान देने वाला लिखो, पढ़ाई पर ध्यान देने वाला छात्र सफल होता है। लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो, विधाता, हमें प्रतिदिन विधाता का स्मरण करना चाहिए। हमें विधाता यानी ईश्वर, हमें प्रतिदिन विधाता का स्मरण करना चाहिए। लिखा सभी ने। तो देखो, सेंटेंस इस तरह से लिखना है, बातूनी वर्षा एक बातूनी लड़की है। सेकंड, वर्षा ऋतु में मोर पंख फैलाकर नाचता है। ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान देने वाला छात्र सफल होता है। उसके बाद लास्ट वन है विधाता, हमें प्रतिदिन विधाता का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस लिख दिए। अभी लास्ट क्या है? रचनात्मक कार्य, जो कि आपको
खुद से ही करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखो, ये कुछ चित्र दिया है, तो वो चित्र कौन सा है वो लिखना है। ये दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, मिट्टी को गोद कर पेड़ लगा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए एक सेंटेंस वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या है, टीचर पढ़ा रहे हैं, और क्या है, ये नेहरू दिख रहे हैं और ये बच्चे, आपको पता है ये क्या है, स्कूल में ये सेलिब्रेट होता है ना, ये भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ये भी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। और ये तो आपको बहुत ही पसंद होगा, तो इसका नाम क्या है, ये दिन कौन सा है, ये दिन कौन सा है, ये कौन सा, और वो चारों भी आपको खुद से लिखना है, ठीक है। पर्यावरण इस विषय पर 5-7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। आपका जो होमवर्क बुक है उसमें पर्यावरण के बारे में 5-6 लाइन्स वाक्य आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ा, अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 16, सच्चा बालक। तो देखो बच्चों, पाठ क्रमांक है 16, सच्चा बालक, इसके लेखक है डॉक्टर विशंबर राय। तो इस पाठ से हमें क्या पढ़ना है, तो देखो बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी इस पाठ से हमें देखना है। इस पाठ में क्या है, ये प्रधानाध्यापक ने बच्चों को कहा कि जो बच्चे, उन्होंने कुछ बीज बच्चों को दिए हुए थे, सभी छात्रों को उन्होंने बीज दिए थे, और जो छात्र अच्छी तरह से ये बीज बोएगा और अच्छा पौधा, जो सुंदर और स्वस्थ पौधा लाकर बताएगा, तो जिसका पौधा अच्छा होगा, बड़ा होगा, उसे विद्यालय की ओर से उस बच्चे को स्कॉलरशिप यानि कुछ पैसे मिलने वाले थे, जिससे कि वो अपना एकेडमिक ईयर यानि स्कूल की जो भी सीखने पढ़ने के लिए जो पैसे लगते हैं वो स्कूल पूरा खर्चा करेगा। तो ये जो कंपटीशन था वो कंपटीशन हमें यहाँ पर देखना है, इसमें से ये प्रधानाध्यापक सच्चा बालक कौन है ये ढूंढकर निकालने वाले थे। तो इस पाठ से हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रधानाध्यापक ने ये चुनौती बच्चों को दी थी और वो चुनौती का स्वीकार उन बच्चों ने किया था, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वृक्षारोपण दिख रहा है ना, ये कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से ये पेड़ लगा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वृक्षारोपण, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इस पाठ में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आप अपना कौन कौन सा कार्य स्वयं करते हो, खुद से आप कौन कौन सा काम करते हो, जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल का बस्ता बैग खुद के खुद भरते हो, टिफिन भरते हो, वाटर बॉटल भर के लेते हो, कंपोस्ट बॉक्स सही चेक करके उसमें सामान पूरा है कि नहीं, ये चेक, ये सब जो काम है आप स्वयं करते हो, और खुद के कपड़े पहनना, निकालना, खुद की साफ सफाई करना, और घर में काम में हाथ बटाना माँ बाप के लिए, है ना, ये काम आप स्वयं करते हो, ठीक है। अपना काम दूसरों से कराने के बाद आपको कैसा लगता है, देखो आपको अगर होमवर्क दिया जाता है या कुछ काम किया, काम बोला जाता है, तब आप खुद से ना करते हुए अगर दूसरों को कहते हैं, दूसरे को बोलते हो कि ये काम कर दो, तो आपको अच्छा लगता है क्या, अगर आप खुद का काम दूसरों को कहते हैं तब कैसा लगता है आपको, गिल्टी लगता है ना, खराब लगता है कि हम लोग, ये हमारा काम है लेकिन हम दूसरे को बोल रहे हैं, ठीक है। अपना गृह कार्य आप समय पर नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, देखो आपको अगर होमवर्क दिया है, गृह कार्य दिया है, और अगर आपने ये नहीं किया तो आप क्या करते हो, हाँ उसमें से कुछ भी रास्ता निकालते हो और दूसरों से कर लेते हो, फ्रेंड्स को बोलते हो, है ना। तो इस तरह से नहीं करना है, खुद का काम गृह कार्य खुद को ही करना है ना,
ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट। देखो इस पाठ का मुख्य भाव क्या है, सच्चा बालक। इस कहानी में शामू नाम का एक बालक है जो कि माली का बेटा है। वो सच्चाई के रास्ते पर चलकर सफलता पाता है। शीघ्र सफलता पाने के लिए कभी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया कार्य हमें सुख और संतोष देता है। यह संस्कार इस पाठ से हमें लेना है। देखो ये जो शामू नाम का बालक है वो कैसा है, सच्चा है, ईमानदार है। और क्या गुण है उसमें, वो एक माली का बेटा है। वो क्या करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही वो सफलता पाता है। सफलता पाने के लिए उसने कोई भी छल या कपट किया नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया काम हमें सुख और संतोष देता है। यही संस्कार हमें इस पाठ से लेना है। तो सारांश देखो क्या है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में सच्चा बालक में सच्चाई और ईमानदारी के गुणों का महत्व दर्शाया है। विद्यालय ने बच्चों को फूलों के कुछ बीज दिए थे और कुछ महीने का समय दिया था। सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा, स्वस्थ विकसित पौधा जो प्रस्तुत करने वाला था उसे विद्यालय की ओर से आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया था। शामू एक माली का बेटा था। विद्यालय के नियमानुसार उसने गमले में बीज तो बोए और वह पौधे का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके बीज नहीं उगे। इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। नियत समय पर सभी बच्चों ने पौधा लेकर आए, लेकिन शामू का गमेला तो खाली ही था। जब प्रधानाध्यापक एक गमले का निरीक्षण करने लगे तब उन्होंने शामू का गमला कैसा पाया, खाली पाया। तो उन्होंने शामू को ये देखकर वो चकित रह गए। देखो सब बच्चों ने स्वस्थ पौधा लाकर प्रधानाध्यापक को दिखाया, लेकिन शामू सच्चा और ईमानदार था, उसका गमला खाली था। तो ये देखकर प्रधानाध्यापक क्या हो गए, चकित हो गए। उन्होंने शामू को गले लगाते हुए उसे बधाई दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस तरह से क्यों हो गया था, क्योंकि जानबूझकर सबको भुने हुए बीज दिए थे जो कभी उग ही नहीं पाते थे, लेकिन तुमने तो खाली गमेला दिखाकर ईमानदारी और सच्चाई का सबूत दिया है। इस ईमान के हकदार तुम ही हो। तो प्रधानाध्यापक ने इस शामू को क्या किया, शाबाश की दी और उन्होंने उसे क्या बोला कि तुम तो इस इनाम के काबिल हो। तो देखो बच्चों विस्तार में हम लोग पठन करेंगे शामू ने कैसा कार्य किया है, ठीक है। तो पेज नंबर 95 ओपन करो बच्चों। किया सभी ने, लेसन 16, सच्चा बालक, डॉक्टर विशंबर राय। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को बुलाकर कहा, आज सभी को फूलों के कुछ बीज और 2 महीने का समय दिया जा रहा है। कितना समय दिया था, 2 महीने का समय दिया था। और प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल मुख्याध्यापक, उन्होंने बच्चों को बुलाया और बोला कि आज सभी को फूलों के, उन्होंने कौन सी बीज दिए थे बच्चों को, फूलों के बीज दिए थे और 2 महीने का समय कितना दिया था, 2 महीने का समय दिया था। जो बालक इन बीजों को गमले में सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधे का रूप में बड़ा करके नियत समय पर प्रस्तुत करेगा, उसकी पढ़ाई पर होने वाला सारे खर्च विद्यालय उठाएगा। तो देखो प्रधानाध्यापक की क्या शर्त थी, बच्चों को उन्होंने कुछ फूलों के बीज दिए थे। कौन सी बीज दिए थे, फूलों के बीज। और उन्होंने बच्चों को क्या बोला कि आपके लिए 2 महीने का समय दिया जाता है और इस 2 महीने के समय में आपने क्या करना है, गमले में ये बीज बोना है और जो बच्चा स्वस्थ और विकसित पौधा लाकर बताएगा उसे विद्यालय की ओर से शैक्षणिक शुल्क खर्च दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जब यह खबर बच्चों के माता पिता तक पहुंची तो वे बड़े खुश हुए। बीज बोने, उगाने और उनको बड़ा करने में वे भी अपने अपने बच्चों की मदद करने लगे। तो देखो
बच्चों के माँ बाप जो है वो भी इस खबर से खुश हो गए और उन्होंने बच्चों को मदद करने के लिए अपनी ओर से सहायता शुरू की। ठीक है, वो खुश हो गए और उन्होंने उन्हें सहायता की। यहाँ पर दिख रहा है बच्चे इस तरह से ये गमले में बीज बो रहे हैं। बीज उगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें? गमला चाहिए होता है, उसमें मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए? खाद चाहिए, बीज चाहिए, और ये क्या दिखाई दे रहा है? झारा, जिससे हम लोग इसको पानी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। शामू एक माली का बेटा था, बागवानी का काम उसे विरासत में मिला था। शामू किसका बच्चा था? माली का बेटा था, और बागवानी का काम उसे विरासत में, विरासत यानी उत्तराधिकार टू इनहेरिट। ठीक है, वह सुंदर फूलों वाला पौधा उगा सकने की आशा से बहुत खुश था। वो क्यों खुश था? उसे लग रहा था कि मैं तो मेरे पिताजी से सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो माली थे, तो उसे आशा थी कि वो अच्छा सुंदर पौधा उगा सकेगा। उसने गमले में बीज बो दिए और समय समय पर उन्हें पानी और खाद देता रहा, परंतु 2 सप्ताह बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हो गए। तो देखो बच्चों, ये शाम जो माली का बेटा था उसने स्कूल में दिए हुए बीज लेकर आए, गमले में लगाए, लेकिन 2 हफ्ते बीत चुके थे तो भी उसमें से कोई भी पौधा नहीं उगा था, कोई भी अंकुरित नहीं हो गया था। तो इससे देखो फिर आगे, शामू बहुत होशियार और मेहनती था, ब्रिलियंट था वो, और कैसा था? मेहनती भी था, हार्ड वर्कर था। उसने सोचा कि मिट्टी में ही कोई कमी हो सकती है, तो उसके ऊपर उसने क्या सोचा कि मिट्टी में अगर कोई कमी होगी इसके वजह से पौधा नहीं होगा है, अतः उसने गमले की मिट्टी बदलकर बीज बो दिए। इसलिए उसने क्या किया, उस मिट्टी को चेंज किया और वापस वो गमले में डालकर उसने वापस बीज बो दिए। फिर भी वे बीज नहीं उगे, शामू निराश हो गया। तो देखो, इससे भी मिट्टी बदल कर भी बीज नहीं उगा तो शामू क्या हो गया? नाराज हो गया। वो सोच रहा था कि शायद मिट्टी अच्छी नहीं होगी, इसके वजह से बीज अंकुर नहीं हो गए, इसलिए उसने गमले की मिट्टी बदल दी, वापस उसमें बीज बो दिए, तो भी कुछ फर्क नहीं हो गया, बीज उगा ही नहीं। आखिर नियत दिन आ गया, यानी जो समय प्रिंसिपल ने दिया था, कितने? 2 माह दिए थे, तो 2 माह आ गए, आखिर नियत दिन आ गया। सभी बच्चे सुंदर पौधे लिए अपने अपने माता पिता के साथ स्कूल में इकट्ठे हो गए। तो देखो बच्चों, सभी बच्चे नियत समय पर आ गए, सभी के हाथ में सुंदर पौधा था, और वो सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आ गए, स्कूल में इकट्ठे हो गए। शामू खाली गमला लिए पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा था। शामू निराश था क्योंकि उसके हाथ में पौधा नहीं था, उसने कोई भी पौधा उगाया नहीं था, इसलिए वो निराश था। इसलिए उसने क्या किया, जो लाइन बनाई हुई थी उसमें सबसे पीछे के पंक्ति में वो खड़ा हो गया। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आए थे, आशा, आशा यानी उम्मीद, अंकुरित यानी अंकुर होना, होशियार यानी बुद्धिमान चतुर। नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 97। उसे उदास, उदास यानी दुखी, उसे उदास देखकर लोगों ने समझाया, बेटा उदास मत हो, तुमने पौधा उगाने की कोशिश तो की, पौधा नहीं होगा कोई बात नहीं। तो देखो, शामू ने कोशिश तो की थी, क्योंकि वो तो माली का बेटा था, वो जानता था पौधा किस तरह से, बीज किस तरह से बोना है, किस तरह से उसको बड़ा करना है, ये तो उसने उसके पिता से सीखा था। तो उसे आशा थी कि मैं सब में ज़्यादा स्वस्थ और विकसित पौधा उगाऊंगा, लेकिन क्या हो गया देखो, 15 दिन बीत गए तो भी उसमें से पौधा नहीं आया, तो इससे परेशान हो गया वापस उसने उसकी, उसे लगा कि शायद मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उसने मिट्टी वापस चेंज की, वापस बीज बोए तो भी बीज अंकुर नहीं हो गया, तो इससे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। जब नियत समय आ गया
तो सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ विकसित पौधा लेकर आ पहुंचे, लेकिन शामू ऐसा था कि जो खाली गमेला लेकर वहां पर पहुंच गया था और जो पंक्ति बनाई थी उस पंक्ति में वो सब में आखिरी आखिर खड़ा हो गया था। उसे उदास देखकर लोग क्या बोले, बेटा उदास मत हो, तुमने पौधा उगाने की पूरी कोशिश की लेकिन पौधा नहीं होगा कोई बात नहीं। प्रधानाध्यापक को देखते ही माता पिता बच्चों को छोड़कर विद्यालय से बाहर चले गए। देखो वहाँ पर प्रिंसिपल आने के बाद प्रधानाध्यापक मुख्याध्यापक आ गए, तो उन्हें देखते ही माता पिता ने क्या किया, बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया और वो विद्यालय से बाहर आ गए। प्रधानाध्यापक महोदय एक एक गमले की जांच करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखो प्रधानाध्यापक ने क्या किया, उन्होंने जांच चालू की, बच्चों ने जो कुछ बनाया लाकर दिखाया था उन्हें गमला और पौधा, तो वो उसकी एक एक गमले की जांच करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी गमलों में सुंदर सुंदर फूल लगे थे लेकिन वे किसी से खुश नहीं दिख रहे थे। देखो सभी बच्चों ने उन्हें विकसित पौधा उनकी जो शर्त थी कि स्वस्थ पौधा लाकर बताना है, तो सभी बच्चों ने लाया हुआ था, तो इससे ये खुश होना चाहिए थे लेकिन उन्हें खुशी नहीं हो रही थी। उसका कारण जानेंगे हम लोग, वो जो प्रधानाध्यापक थे वो खुश क्यों नहीं दिख रहे थे। अब प्रधानाध्यापक महोदय आखिरी बच्चे के पास पहुंचे। देखो लास्ट बच्चे के पास पहुंच गए जिसके पास क्या था, वह शामू था। कौन था वो, शामू था। प्रधानाध्यापक उसका खाली गमला देखकर चकित रह गए। देखो क्यों चकित रह गए वो, उन्होंने पूछा, बच्चे तुमने कोई पौधा क्यों नहीं उगाया। जब उन्होंने देखा प्रधानाध्यापक सभी बच्चों के गमले देखते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि शामू सब में लास्ट खड़ा हुआ है और उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं रहे, तो इससे वो चकित हो गए। उन्होंने पूछा, बच्चे तुमने पौधा क्यों नहीं उगाया। मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, प्रयास करना यानी कोशिश करना। उसने क्या जवाब दिया, देखो प्रधानाध्यापक पूछने के बाद, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया पर अफसोस कोई परिणाम नहीं निकला। शामू ने सिर झुकाए हुए उदास मन से कहा। देखो प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को चुनौती दी थी स्वस्थ पौधा लाने के लिए, लेकिन शामू उसमें फेल हो गया था, इसलिए शामू बहुत ज़्यादा नाराज था। और वहाँ पर प्रधानाध्यापक ने उससे पूछा कि सभी बच्चों ने इस तरह से अच्छा पौधा बताया है और आपका गमला क्यों खाली है, तो इसने उसके ऊपर आंसर दिया कि मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस मैं कोई पौधा उगा नहीं पाया। शामू बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उसको महसूस हो रही थी, इसलिए वो सर झुकाए खड़ा हुआ था और उदास मन से उसने ये आंसर प्रधानाध्यापक को दे दिया। शामू का जवाब सुनकर प्रधानाध्यापक महोदय गदगद हो गए, उन्होंने उसे गले लगा लिया। जब शामू ने यह जवाब दिया तो प्रधानाध्यापक उससे गदगद हो गए। क्यों हो गए देखो बच्चों, उन्होंने उसे गले लगाया, मेरे प्यारे बच्चे आज से विद्यालय तुम्हारी पढ़ाई पर होने वाले सारे खर्च की जिम्मेदारी लेता है। लोगों ने प्रधानाध्यापक की इस घोषणा का ताली बजाकर स्वागत किया। तो देखो उसका गमला खाली था तो भी प्रधानाध्यापक खुश हो गए, खुश होकर उन्होंने उसे क्या किया, गले लगा लिया और उसे कहा, मेरे प्यारे बच्चे आज से विद्यालय तुम्हारी पढ़ाई पर होने वाले सारे खर्च की जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व। लोगों ने प्रधानाध्यापक की इस घोषणा यानी उन्होंने जो ऐलान किया था, अनाउंसमेंट की थी, उससे ताली बजाकर उसका स्वागत किया। गदगद होना यानी क्या, खुश होना, ठीक है, और घोषणा यानी ऐलान। तो प्रधानाध्यापक ने क्या घोषणा की, तो ये खाली गमला देखकर शामू को क्या बोला, आज से विद्यालय में तुम्हारी पढ़ाई पर होने वाले सारे खर्च की जिम्मेदारी लेता है। तो देखो बच्चों, ये इस घोषणा से सभी खुश हो गए और सभी तालियां बजाने लगे। नेक्स्ट देखो, प्रधानाध्यापक ने कहा,
तो देखो इसका कारण क्या है, उन्होंने क्यों उसे ये बख्शीश प्रदान किया। प्रधान अध्यापक ने कहा, मैंने जानबूझकर सबको भुने हुए बीज दिए थे यह जानने के लिए कि कौन सा बालक सच्चा है। तो देखो उन्होंने इस तरह से बच्चों की इम्तिहान ली थी, उन्हें क्या किया था, जानबूझकर भुने हुए बीज दिए थे जो कभी उग ही नहीं सकते, है ना। भुने हुए बीज कैसे उग सकते हैं, तो यह जानने के लिए कि कौन सा बालक, यानी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी ये भी परखना था, ये गुण को देखना था और फिर उसके बाद उन्हें बख्शीश प्रदान करना था, तो उन्हें ये सच्चा बालक मिल गया। मेरा उद्देश्य ऐसे बालक की खोज करना था जिसमें ईमानदारी और सच्चाई हो। देखो ये जो शामू है इसमें ईमानदारी भी है और सच्चाई भी है। आगे चलकर वही शामू श्यामदेव के नाम से बहुत बड़ा अफसर बन गया। तो इन ये दोनों गुणों के वजह से भविष्य में वो क्या बन गया, बहुत बड़ा अफसर बन गया। उद्देश्य यानी क्या, लक्ष्य, उद्देश्य यानी लक्ष्य। तो देखो देखो बच्चों ये पाठ कितना सुंदर है ना। इस पाठ से हमें क्या दिखता है, ये शामू में सच्चाई है, ईमानदारी है। बाकी के बच्चों ने क्या किया, भुने हुए बीज उन्हें भी मिले थे और शामू को भी वही बीज मिले थे, लेकिन शामू ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी बताते हुए खाली गमला लाकर बता दिया। उससे बहुत उदास था लेकिन तो भी उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ी, उसने वैसे ही खाली गमला लाकर बता दिया। लेकिन बाकी के बच्चों ने क्या किया, फरेब किया, है ना। उन्होंने क्या किया, वो अगर नहीं होगा तो भी दूसरे पौधे लाए और ये प्रधानाध्यापक को दिखा दिए। तो प्रधानाध्यापक ने ही भुने हुए बीज सभी बच्चों को दिए थे, उससे उनको इस बात का पता चला कि ये शामू जो है सच्चा है, ईमानदार है। तो इसके वजह से ये जो बख्शीश था उनका वो किसे मिल गया, इस शामू को मिल गया। तो देखो बच्चों अगर हम लोग सच्चाई और ईमानदारी से रहेंगे तो उसका फल कैसा होगा, मीठा होगा, है ना। तो जो लोग सच्चाई से रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, उन्हें सफलता हासिल होती है। ये इस पाठ से हमें सीखना है ना। तो बच्चों देखो इस पाठ पर आधारित प्रश्न, बागवानी का काम किसे विरासत में मिला था, किसे मिला था, शामू को मिला था, है ना, किसे मिला था, शामू को मिला था। प्रधान अध्यापक ने फूलों के बीज उगाने के लिए कितना समय दिया था, कितना समय दिया था, 2 माह का, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये पाठ आपको, सच्चा बालक, ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। इस पाठ से हमें क्या सीख लेना है, इस पाठ से हमें ये सीख लेना है कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही हमें सफलता हासिल करना है। शीघ्र सफलता पाने के लिए कोई भी छल कपट हमें करना नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम कार्य ही हमें सुख और संतोष देता है। यह संस्कार हमें इस पाठ से लेना है। जैसे कि शामू ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई दिखाते हुए बख्शीश, उसे सफलता मिल गई, उसी तरह से हम भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी से, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही हमें सफलता पानी है। ये सीख हमें इस पाठ से लेना है। तो बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा, आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह से सफलता पाने की कोशिश करोगे। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य है, इस पाठ का वाचन एक बार करना है और पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन एक बार करना है। तो बच्चों धन्यवाद।